अलग अलग दो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जो कि अयोध्या के लिए शुरू की जा रही विमान सेवा के लिए बेहद महत्वपूर्ण ये दरअसल दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया इस मीटिंग में जुड़े थे। दरअसल यहां पर फ्लाइट सेवा कोलकाता अयोध्या फ्लाइट सेवा की शुरुआत की गई है केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और दूसरी तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों ही चूंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच का ये सामंजस्य है यहाँ पर इस मीटिंग के माध्यम से और जो आवश्यक कदम उठाए जाने हैं जो एक्शन लिए जाने हैं जिनकी आवश्यकता है वहाँ ऐसे में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से जो भी यहाँ पर प्रयास किए जाने हैं जो निर्णय लिए जाने हैं औपचारिकताओं को पूरा किया जाना इसके संदर्भ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोनों ही एक दूसरे से जुड़े और लखनऊ से आप देख रहे थे तस्वीरें योगी आदित्यनाथ और एक तस्वीर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां पर मौजूद हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे मंत्रालय के सिंह क्या पूर्व जनरल मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जिनके नेतृत्व में नागर विमानन क्षेत्र में काफी परिवर्तन आए हैं। अयोध्या धाम पर बैठे हमारे सांसद लालू सिंह जी, सभी उत्तर प्रदेश के अधिकारीगण जो यहाँ पर मौजूद है, हमारे सचिव मांग जी, श्री अंकुर गर्ग एयर इंडिया एक्सप्रेस के सीसीओ और अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े अनुष्ठान और पूजन शुरू हो चुके हैं। कर्मकुटी पूजन और प्रायश्चित अनुष्ठान शुरू हो चुका है। जिस स्थान पर रामलला की मूर्ति गढ़ी गई है वहां कर्मकुटी पूजन हो रहा है। मूर्ति बनाने के लिए जो छेनी हथौड़ा चलाया गया उसका प्रायश्चित भी किया जा रहा है तो दूसरी तरफ मंडपम की भी भव्य तस्वीरें सामने आई हैं। कितना भव्य दिव्य होगा ये स्वरूप आइए दिखाते हैं आपको। के द्वार खोलेंगे तो वहां क्या क्या दिखेगा। अगले 1000 साल से भी अधिक वक्त तक हिंदू धर्म की पताका कैसे इस राम मंदिर पर लहराएगी। जय श्री राम का जयकारा लगाते हुए राम भक्त जब सिंह द्वार से गर्भ गृह की ओर बढ़ेंगे तो मंदिर की दरों दीवारें और पिलर गुलाबी बलुआ पत्थरों की जगह सफेद संगमरमर में बदलते जाएंगे। भारत में हर साल हजारों नए मंदिर बनते हैं, सैकड़ों मंदिरों का पुनरुद्धार होता है, लेकिन राम मंदिर रोज रोज नहीं बनता। 500 साल के इंतजार के बाद जो मंदिर बन रहा है वो भव्य दिव्य और अलौकिक होना चाहिए। अयोध्या का राम मंदिर बिल्कुल वैसा ही बन रहा है। सिंह द्वार से प्रवेश लेने के बाद राम भक्तों को गर्भगृह तक पहुंचने के लिए 5 मंडपों से होकर गुजरना होगा। राम मंदिर के 5 मंडपों से गुजरते समय हिंदुओं के 500 साल का संघर्ष जीवंत हो जाएगा। के भक्त पूर्वी द्वार से मंदिर में प्रवेश करेंगे, 32 सीढ़ियां चढ़कर वो सिंह द्वार तक पहुंचेंगे और वहां से मंडप में प्रवेश करेंगे। राम मंदिर के द्वार से लेकर गर्भगृह तक क्या क्या दिखेगा इसके दिव्य दर्शन कीजिए। रंग मंडप, नृत्य मंडप, प्रार्थना मंडप, कीर्तन मंडप और गुड़ मंडप, 5 मंडपों से होकर भक्त गर्भगृह के करीब तक जाएंगे। सिंह द्वार से गर्भगृह तक पहुंचने के लिए भक्तों को 390 फीट चलना होगा।
राम मंदिर का उत्तरी प्रवेश द्वार आम दिनों में नहीं खोलेगा, उत्तरी दरवाजा विशेष मौकों पर ही खोला जाएगा। उत्तरी द्वार के बाहर का पूरा प्लान अभी नहीं बना है, लेकिन अनुमान है कि ये गेट वीवीआईपी एंट्री के लिए रिजर्व रहेगा। गर्भगृह के ठीक सामने गुड मंडप है, ये भक्तों के लिए राम दर्शन का आखिरी चरण होगा, क्योंकि इससे आगे रामलला का गर्भगृह है जहाँ स्वयं प्रभु श्री राम विराजित रहेंगे। गुड़ मंडप सबसे बड़ा है, इसकी ऊंचाई भी ज्यादा है। अभी गुड़ मंडप के भूतल यानी ग्राउंड फ्लोर का काम हुआ है। 3 मंजिल वाले गुड़ मंडप की पहली मंजिल और दूसरी मंजिल का काम अभी चल रहा है। गुड़ मंडप से पहले आता है नृत्य मंडप, जो विश्वास और आस्था का अनुपम उदाहरण है। वहीं रंग मंडप यानी दर्शन के उत्साह से भरपूर मंडप। इसी तरह प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप अपने नाम के मुताबिक महत्व रखते हैं। राम मंदिर का हर मंडप नागर शैली में बनाया जा रहा है। नागर शैली का जैसा विवरण पुस्तकों में मिलता है, ठीक वैसी ही संरचना राम मंदिर में दिखती है, जो अपने आप में भव्य है, दिव्य है, नक्श नक्श तराशा हुआ है। अभी मंदिर निर्माण के फर्स्ट फेज का काम चल रहा है। प्राण प्रतिष्ठा तक फर्स्ट फेज का ही काम पूरा हो सकेगा। फर्स्ट फेज में भूतल यानी ग्राउंड फ्लोर पर 5 मंडप का काम पूरा होगा। सबसे महत्वपूर्ण गर्भगृह का निर्माण पूरा हो जाएगा। गर्भगृह तक पहुंचने का मार्ग भी तैयार हो जाएगा। राम भक्त जिन सीढ़ियों से मंदिर तक पहुंचेंगे, वो सीढ़ियां और सिंह द्वार भी पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के दर्शन शुरू हो जाएंगे। उसके बाद भी फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर का काम चलता रहेगा। दूसरे चरण में फर्स्ट फ्लोर शिखर लोअर प्लिंथ और परकोटे का निर्माण होगा। दूसरे फेज में 13 छोटे मंदिरों का निर्माण होगा, साथ में एक मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा। उम्मीद है कि दूसरा फेज दिसंबर 2024 तक पूरा होगा। यानी मंदिर निर्माण के दूसरे चरण में दर्शन भी चलता रहेगा और मंदिर का निर्माण कार्य भी जारी रहेगा। और 22 जनवरी को रामलला जिस नव्य भव्य मंदिर में विराजेंगे, उसके दर्शन आप शायद रोज कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने उस राम भोग थाली को देखा जिसमें रामलला को पहला भोग लगाया जाएगा? अगर नहीं तो चलिए आपको राम भोग थाली दिखाते हैं, जिस पर हुई कारीगरी आप देखकर मोहित हो जाएंगे।